दोस्तों, आज का मेरा फेसबुक का पासवर्ड मैं भूल गया हूँ और मैं यहाँ पे पता लगाने के लिए इसको वीडियो भी बना रहा हूँ और साथ ही साथ इसको यूट्यूब पे अपलोड भी करके आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से पासवर्ड को मैं भूल गया हूँ तो उसको किस तरीके से वापस लेके आना है, तो उसका पता लगाना है। तो सिंपली हम लोगों को फेसबुक ओपन तो कर ही दिया है, साथ में कुछ इस तरह का यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड कर देता हूँ, यानी कि मुझे पासवर्ड पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे पासवर्ड को बैक जाके मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यानी कि मैं जो फेसबुक जो बनाया था उस समय जो मोबाइल नंबर दिया था वो नंबर मैं इधर डालूंगा। तो यहाँ पे ईमेल आईडी से भी हम लोग खोज सकता है, अगर मोबाइल नंबर से नहीं बनाया है तो सर्च बाय योर फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, दोनों का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकता हूँ, तो अपना जो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर जो फेसबुक को दिया है वो नंबर यहाँ पे मैं डालूँगा। और कुछ आज अजीब सा बात करने का स्टाइल जो है बंगाली स्टाइल है, तो यहाँ पे मैं नंबर, एक्चुअली ये नंबर नहीं दिया हूँ मैं, तो मैं अपने ये वाला नंबर दिया हूँ, तो यह वाला नंबर डालने के बाद मैं यहाँ पे नीचे लिखा फाइंड योर अकाउंट, तो वहाँ पे ओके करने के बाद में जो है मेरा वो अकाउंट खुला हुआ मेरा फोटो आ जाता है। फोटो आने के बाद में अब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैं गेट कोड के ऊपर ओके करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है, तो वहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर मोबाइल नंबर पे मैसेज भेजना है या अपने ईमेल आईडी पे भेजना है। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी तो आएगा, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का है जो फ़ोन नंबर दिया हुआ रहता है, तो मैं वहाँ पे फ़ोन नंबर पे ओके कर दिया हूँ। तो अब मेरा ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे आ गया होगा, तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ मेरा ओटीपी मोबाइल नंबर पे आ गया कि नहीं। तो फाइनली ओटीपी है जो मेरा मोबाइल नंबर पे पहुँच गया है, तो मैं यहाँ पे ओटीपी डालने की कोशिश करूँगा और करने के बाद मैं कुछ कंटिन्यू बटन को दबाने वाला हूँ। दबाने के बाद मैं देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि अगर आपको दूसरा मोबाइल में आपका फेसबुक खुला हुआ है और उसको खुला हुआ रखना चाहते हैं तो आप कीप मी लॉगेड इन रखो, अगर दूसरा का मोबाइल में आपको पासवर्ड फेसबुक खोल के रखा है अगर उसको हटाना चाहते हो तो आप लॉग मी आउट ऑफ अदर डिवाइस को ओके करके कंटिन्यू कर सकते हो। और लेकिन मेरा दो तीन मोबाइल में पासवर्ड फेसबुक खुला है तो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में खुला ही रखना चाहता हूँ, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे टाइप न्यू पासवर्ड जो कि 6 के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो यहाँ जो भी नया पासवर्ड डाले कुछ नंबर और नेम कुछ मिक्स करके डाले है ताकि लोगों को मालूम नहीं पड़े, गैस नहीं कर सके। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक अल्फाबेट एक बड़ा अक्षर बाकी का छोटा अक्षर डाल के जो अपना नंबर मिक्स करके मैंने पासवर्ड चेंज करके अपना फेसबुक खोल लिया है। तो यहाँ पे आगे जो भी पूछ रहा है मैं उसको अलाउ कर देता हूँ, जो लोकेशन पूछ रहा है मेरी लोकेशन उसको जाएगी फेसबुक में जिससे आप देख सकते हो, उसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना हुआ है। तो आज का वीडियो देखा उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।